वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूँ कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को कल फाइनली थिएटर्स के अंदर रिलीज कर दिया गया था। कुछ भाई लोग कल जाके देखे होंगे, कुछ आज जाने वाले होंगे और कुछ कल जाने वाले होंगे। लेकिन वहीं पर बहुत से ऐसे भी भाई लोग होंगे जो कि वेट करेंगे इस मूवी के OTT पर आने का। तो दोस्तों, आपका भाई आपको बताने वाला है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 आपको OTT पर कब तक देखने को मिलने वाली है और इसका OTT प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, और क्या इसके साथ भी स्पाइडरमैन नो वे होम वाला सीन होगा कि जैसे वो इतनी लेट मिली OTT पर, क्या डॉक्टर स्ट्रेंज भी हमें इतनी ही लेट देखने को मिलने वाली है या नहीं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, जिन भाई दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस हम आप लोगों के लिए लाते ही रहते हैं। तो आइए जानते हैं, देखते हैं कि क्या सीन है। तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के साथ स्पाइडरमैन नो वे होम वाला कोई भी सीन नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम सोनी ने बनाई थी, उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स दोस्तों सोनी वाले थे, मार्वल वाले नहीं थे। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मार्वल ने बनाई है, इसके सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स मार्वल वाले हैं। और मार्वल की जब भी कोई मूवी OTT पर आती है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आती है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार मार्वल वालों का आप समझ लें ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म है। और सेम डॉक्टर स्ट्रेंज 2 भी जब OTT पर रिलीज की जाएगी तो इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार में ही हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, कब रिलीज की जाएगी? तो दोस्तों, अभी OTT के साथ जो विंडो सेट है वो है 2 months की, मींस के 60 days की। 60 days बाद डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज कर दिया जाएगा विद ऑल लैंग्वेजेस। लेकिन अगर मैं पर्सनली ओपिनियन दूं, तो मींस के अपना पर्सनल बताऊं, तो दोस्तों ये विंडो ज्यादा भी हो सकती है, मींस के ऑलमोस्ट 90 days, 3 months तक भी जा सकती है। क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की जिस तरह से ओपनिंग हुई है, सिर्फ इंडिया के अंदर ही नहीं वर्ल्ड वाइड इसकी जिस तरह से ओपनिंग हुई है, उसे देख के लग रहा है कि ये मूवी कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन नो वे होम के आसपास तक जाने वाली है। क्रॉस करे या ना करे वो डजंट मैटर, लेकिन आसपास जाने वाली है, क्योंकि इसका क्रेज भी बहुत ज़्यादा है और स्पेशली जो इसके विजुअल्स VFX हैं वो नेक्स्ट लेवल बनाए गए हैं। दैट्स वाई दोस्तों ये मूवी की ओपनिंग बहुत आउटस्टैंडिंग हुई है। और सारी की सारी दोस्तों मजे की बात यह है, जो लोग इसे देखने जा रहे हैं वो 3D में देखने जा रहे हैं। अब 3D का दोस्तों क्या सीन होता है, 3D की टिकट्स महंगी होती हैं 2D से, और ये मूवी 2D वाली है ही नहीं, ये मूवी है ही 3D वाली। मैक्सिमम ऑडियंस 3D में देखने जा रही है और बहुत से लोग 4D में भी देखने जा रहे हैं। अब उनकी टिकट्स प्राइस हाई है, दैट्स व्हाई कहीं ना कहीं ये स्पाइडरमैन नो वे होम के आसपास जाके रुकने वाली है। अब कैसे रुकेगी? तभी रुकेगी जब इसको टाइम मिलेगा, लेकिन 2 months का टाइम दोस्तों बहुत कम होता है, लोग जाते रहते हैं देखने, तो ऑलमोस्ट 90 days। तो अगर तो मूवी की कलेक्शंस पे ड्रॉप आउट ना आया, सीक्वेंस वाइज चलती नहीं, तो ये विंडो दोस्तों 3 months तक भी जा सकती है। अदरवाइज 2 months मींस के जुलाई के मिड में, जी हां जुलाई के मिड में डॉक्टर स्ट्रेंज 2 हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों यही थी अभी तक की छोटी सी वीडियो। इसके अलावा कोई ऐसी मूवी, कोई ऐसी वेब सीरीज जिसकी रिलीज डेट, रिलीज टाइम आप जानना चाहते हो, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, जब भी टाइम मिला उस पर वीडियो आपको मिल जाएगी। अभी तक यही वीडियो थी, होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली हमने वीडियो रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, अल्लाह हाफिज।